चलिए रुक करते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट गिन्नी मेहता की तरफ और जानते हैं आखिर के लास्ट यानी कि 8 और 9 अंक का किस्मत कनेक्शन 2024 में क्या कहता है, बताइए गिन्नी। आइए जानते हैं मूलांक 8 वालों के लिए, जिनका मूलांक 8, 17 या 26 है उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, चीज़ें उनके फेवर में होंगी। बट उनको ध्यान किस चीज़ का रखना है, ध्यान रखना है अपने शब्दों का, क्योंकि शब्दों से वो चीज़ें खराब भी कर सकते हैं और अच्छा भी कर सकते हैं। तो अपने शब्दों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, स्पेशली रिलेशनशिप में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में आपको अपने शब्दों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और चीज़ों को अच्छे तरीके से लेकर जाना है। आपको क्या करना है, आप अगर नीडी को, किसी भी नीडी इंसान को कुछ दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आप अपने गुस्से पे नियंत्रण दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी ज़रूर करना है। आइए जानते हैं अब मूलांक 9 वालों के लिए, जिनका मूलांक 9, 18 या 27 है उनके लिए क्या कहते हैं इस साल। ये साल उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, और जो वो करना चाहते थे 2023 में जो नहीं कर पाए वो इस साल कर पाएंगे। बहुत अच्छा साल है, फाइनेंशियल गेन के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर वो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो ये साल उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो, अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको उपाय क्या करने हैं, आपको हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर ज़रूर करना है रेगुलर, और अगर आप लाल कलर पहनते हैं या फिर अपने पास एक लाल कलर का कपड़े का टुकड़ा भी अपने साथ हमेशा रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2024 में कैसा रहेगा आपका भाग्य चक्र, ये तो भाई हमने आपको बता दिया, पर ध्यान रहे कर्म से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता, इसीलिए अपना काम पूरा मन लगाकर जरूर कीजिएगा। जो सोचा है उसे पूरा करने के लिए कोशिश जरूर कीजिएगा, आपकी सफलता निश्चय ही होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर। आप सभी का नव वर्ष मंगलमय हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।